चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। शरद जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने 300 फिल्म का जिक्र किया और उस फिल्म को भी लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हैं जी, और उसके 2 पार्ट आ चुके हैं जी, और आज भी वो फिल्म टेक्निकल इतनी वेल मेड लगती है हमें कि हमें लगता है कि उस फिल्म का कंपैरिजन हो नहीं सकता जी। और अभी इस फिल्म में जो आपका डायलॉग है जो आप बोलते हैं कि 300 उल्टी खोपड़ी के, और कहीं ना कहीं हम वो एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती है हमारी कि यार चलो बॉलीवुड में या हमारी हिंदी सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म मिले, तो क्या हम आप पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस फिल्म से कि वैसा ही हमें विजुअलाइज हम कर पाएंगे जैसे 300 फिल्म में हमने देखा था। देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, 14 साल पहले वो फिल्म थी, हॉलीवुड फिल्म्स का बजट हमारी फिल्मों से 100 गुना होता है, समझ रहे हैं? और जो कि टेक्नोलॉजी है वो मच मोर एडवांस है। एवेटार कब आई थी आपको पता है? 2009। मोशन कंट्रोल आज तक इंडिया में वो कर नहीं पा रहे बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत समय लगाती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए 5-6 साल का, जो करते आए वहाँ के डायरेक्टर्स और EPs, वहाँ EPs होते हैं जो बड़े होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, तो उतना वक्त उतना पैसा, क्योंकि उनका ग्लोबल ऑडियंस है, उनकी रिकवरी ग्लोबल ऑडियंस से होती है। हर एक देश में आप अगर आप कलेक्शन देखेंगे एवेंजर्स का या एंड गेम का, उतना किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया होगा जितना बिजनेस इंडिया में उसने किया, और ऐसे जितनी 125-150 कंट्रीज हैं वहाँ सब जगह एवेंजर्स गई, सब जगह से ऐसे ही कलेक्शन आता था, तब जाके वो फिल्म रिकवर करती है। इसलिए उनके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि वो टेक्नोलॉजी, उतना समय, आर्टिस्ट की उतनी फीस, वो सब दे पाए। तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हमने भरपूर कोशिश की कि जितने पैसे हमारे पास थे, इसका उदाहरण दूंगा कि हमारी फिल्म में ना केवल एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, इन लोगों ने, बिकॉज वो दिखने वाले हैं पर्दे पे, उनका नाम होने वाला है, इन लोगों ने शायद अपनी फीस कम की या माफ की है, मेकअप मैन से लेकर एक कॉस्ट्यूम वाले से लेकर हर एक ने अपनी फीस कम की है ताकि वो पैसे प्रोडक्शन में लग सके, क्योंकि हम एक लेवल तक ही ऊपर जा सकते थे। आप जानते हैं स्थिति कैसी है और मार्केट तो आपको पता ही है कैसा, हम एक सर्टेन लेवल तक जा सकते थे और उसमें हमको बेस्ट करना था। गोकुल हमारे VFX इंचार्ज हैं, मुझे पता है उन्होंने कितने घंटों काम किया है, जो शायद 150 लोग 8 घंटे में करेंगे, वो 25 लोग 24 घंटे काम कर रहे थे, कोशिश हमने की है। कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कोशिश हमने की है कि हम इतने छोटे बजट में, मतलब ये आज अगर आप हिंदुस्तानी फिल्मों की बात करें तो उसका 5% बजट है मेरी फिल्म का, 5% सिर्फ, जो बड़ी ऐसी ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं 5% भी नहीं है मेरी फिल्म का। तो अगर आप रिसेंट कुछ फिल्मों का नाम लें, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनके हिसाब से तो मेरा 2.5% का बजट है पिक्चर का, 2.5% के बजट में हमने ये फिल्म खड़ी की है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को सराहें, उस एफर्ट को सराहें जो हमने कोशिश की है। एक छोटी छोटी नहीं कह सकते कि मराठी हिंदी से बहुत बड़ी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, लेकिन जिसकी लिमिटेशंस हैं उसमें हमने कोशिश की है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। बाजी प्रभु देशपांडे सुबोध भावे एस छत्रपति शिवाजी महाराज अमृता खानविलकर एस सोनाबाई देशपांडे एंड सयाली संजीव एस महारानी साईबाई भोसले। Okay, so now I'm gonna hand over to you, sir, so that you can tell us about the movie, about your experience. हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में? हिंदी में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और आगे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थक गया है आदमी। बट बहुत अजीब सा लग रहा है, पहले तो बताऊँगा मुझे कि मैं कई बार दिल्ली आया हूँ, कई बार ऐसे आप लोगों से मिला हूँ, कोई ना कोई हमेशा बाजू में होता था जो जिसको हम सपोर्ट कर रहे होते थे। आज अकेला बैठा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, बट एक अलग फीलिंग है, और आप लोग हैं सब लोग, तो शायद बयान भी कर सकता हूँ। एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, स्पेशली आज के टाइम पर। हम सब जो नॉर्थ में रहते हैं, मैं भी नॉर्थ में ही बड़ा बड़ा हूँ, ग्वालियर से हूँ, छत्तीसगढ़ की पैदाइश है मेरी, और कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक में ना, जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक चैप्टर होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, बस उतना ही होता है, उसके अलावा ज़्यादा किसी ने पढ़ा नहीं है।
जो अध्ययन करता है शायद उसने किया, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो ज्यादा होता नहीं, अलग अलग वीरों की अलग अलग कहानियां होती। मैं जब मुंबई पहुंचा 20 साल पहले, फिर समझना शुरू किया कि यार यहाँ महाराष्ट्र में सब छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं, या उनके लिए भगवान जैसे क्यों है। उनकी कहानियां पढ़ना शुरू की, उनके बारे में जानना शुरू किया। समझना बहुत मुश्किल है हमको, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि एक आदमी का विचार उनके जाने के कई सौ सालों तक भी लोगों को प्रोत्साहित करता रहा स्वराज्य के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी कि एक 50 साल के जीवन काल में उन्होंने वो किया जो आज तक हम सबको इंस्पायर कर रहा है स्वराज्य के लिए। तो बहुत अथाह है वो इतिहास जिसको ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में बताना जताना बहुत जरूरी था। तो एक कोशिश की है हर हर महादेव के माध्यम से, और हर हर महादेव एक ऐसा नारा है, ऐसा स्लोगन है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश के साथ बोला जाता है, सही है ना। ऐसे कोई नहीं हो जिन्हें हर हर महादेव नहीं पता हो या ये क्या है। तो कहीं ना कहीं उसका सबके अंदर एक भावना वो है हर हर महादेव की। जहां भी आप जोश दिखाना चाहते हैं वहां हर हर महादेव बोलते हैं। मराठा रेजिमेंट का स्लोगन है हर हर महादेव। तो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सोच है जो लोगों के अंदर जोश जगाती है स्वराज्य के लिए, उसकी कहानी है हर हर महादेव। उनके कई सारे सेनापति रहे, कई सारे साथीदार रहे, उनमें से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे जी। उनकी हमने कहानी चुनी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, और वो इतिहास है जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज भी नहीं बने थे और छत्रपति भी नहीं थे, वो शिवाजी शाहजी भोसले थे। एक सोच थे जो 350 सालों से गुलामी की जंजीरों में बंधे लोगों को जगाना चाहते थे स्वराज्य के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप खुद अभी आप अगर 1 घंटा बैठेंगे यहाँ पर तो उठने की कोशिश करेंगे तो पैर थोड़ा सुन्न हो चुका होगा, शायद उठने के लिए कष्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही वो लोग थे जो 350 सालों से बस जी रहे थे अपने ही गाँव में, अपने इलाकों में, कि भाई मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, मेरा एक कुछ गाँव का एरिया है जहाँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे टैक्स देना है, कर देना है, ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है। जो आज हमारी स्थिति भी है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। किसी को परिवर्तन की ना इच्छा थी, ना कोई इरादा था, ना कोई जोश था। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है नहीं, हमें स्वराज्य चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका विरोध किया जाएगा कि भाई क्यों, अच्छे खासे बैठे हैं, जी रहे हैं, क्या जरूरत है, क्यों बोले तुम्हारे लिए यार, हम ठीक है अपनी जगह पर यार, परिवार है, बच्चा बीवी सब ठीक है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें कुछ सेवा मिली। तो ऐसे ही एक किरदार थे बाजी प्रभु देशपांडे, बहुत वीर थे, महायोद्धा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधे हुए थे अपने उस छोटे से एक एरिया में, मुझे यहीं ठीक हूँ, मुझे क्या करना है। फिर शिवाजी महाराज ने उन्हें वो समझाया जो आज हर हिंदुस्तानी को समझने की जरूरत है, स्वराज्य की वैल्यू, स्वराज्य की जो कीमत है वो उन्हें समझाई गई। और फिर कैसे उन्होंने महाराज का साथ दिया, और हमने एक फिल्म देखी है 300, शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, उसके बारे में कोई तथ्य है कि नहीं मुझे पता नहीं है, शायद नहीं है कोई तथ्य, इट्स कैन बी फिक्शनल, बट इस कहानी के तथ्य और सारे प्रूफ्स हैं कि 300 मावड़ों ने, जिनका नेतृत्व बाजी प्रभु देशपांडे ने किया, उन्होंने एक घाटी के अंदर 12,000 सिद्धि के सैनिकों को जो मुगलों के साथ थे उन्हें रात भर रोक के रखा ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले पर पहुंचे और उस पर फतह करें। ये कहानी है। हम सब जानते हैं जब भी हम पीरियड फिल्मों की बात करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट आता है, ये वॉर फिल्म होगी, एक लड़ाई युद्ध होगा बड़ा सा और ऐसा, वो तो चलिए है फिल्म के अंदर, बट ये कहानी है उस संवाद की, उस विचार की जो छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे जी के माध्यम से अपने सारे मावड़ों को, मावड़े बोलते हैं हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, जो उस पूरी जनता को देना चाहते हैं। तो ये फिल्म उस विचार के बारे में है जो कि है हर हर महादेव।
हाय वर्ल्ड, मुझे पता नहीं क्यों माइक दिया है, मुझे लगता है मुझे जरूरत है। मेरा नाम गौरव है, मैं रूम पोस्ट हूँ और सबसे पहले तो नमस्कार इन दोनों ही चरित्रों को जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो आप किरदार कर रहे हैं ऐसे महान सेनानी का और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, आपकी फिल्म के माध्यम से इन दोनों किरदार से हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें क्या सीखने को मिलेगा? और दूसरा सवाल है, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो दर्रे हैं विशाल, उनके बीच में जो शूटिंग किया उसमें कितनी कठिनाइयां कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, या फिल्म को करते वक्त क्या परेशानियां? पहला सवाल है जो पूछूंगी, मैंने जैसे ही कहा सबने पढ़ा है, सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अधिकांश लोग कई बार सिर्फ शिवाजी बोलते हैं, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा नाम लेता नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं उनके बारे में, वो कौन थे, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। कई सारे आपने देखोगे इंस्टाग्राम पर ऐसे पेजेस आते हैं जहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में हर तरफ ग्रीन होता है और फिर शिवाजी महाराज का एक विजुअल आता है और वो पूरा ग्रीन एक भगवे में तब्दील हो जाता है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं सोच का परिणाम है जो उन्होंने लोगों के अंदर जगाई, जो दबे हुए थे अपने ही जिंदगी में, जूझ रहे थे, कुछ उद्देश्य नहीं था जिंदगी में कि क्या करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है जिंदगी में, वो सिर्फ एक व्यक्ति का विचार था कि नहीं मुझे इस परिस्थिति से आज़ादी चाहिए, मुझे स्वराज्य चाहिए। उनका विचार शायद किसी को नहीं पता होगा, कहानियां बताऊंगी कुछ, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बाद वाली जो जनरेशन आने वाली है उन्हें तो शायद बिल्कुल भी नहीं पता होगा, कि उन्हें शायद जोजो सिवा और BTS पता होंगे, लेकिन या विदेशी कोई ऐसा इतिहास होगा पर्शियन या फ्रेंच या ऐसा कुछ इतिहास शायद ज़्यादा पता होगा बनिस्बत की उन्हें हिंदुस्तानी इतिहास पता होना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उसके बारे में बताएं और सही तरीके से बताएं। तानाजी एक फिल्म थी जो सबने देखी, सबको बहुत पसंद आई, पसंद कई वजह से आई, कितने लोगों ने अपने बच्चों को ये सही वजह बताई है वो मुझे नहीं पता, हमने कोशिश की थी कि हम सही वजह बताएं कि महाराज के विचार क्या थे। आपने अगर देखी होगी फिल्म तो उसमें कई जगह उनके डायलॉग्स हमने समझने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि उनके विचार क्या है, कि राजा के लिए सैनिक मरते ही हैं, लेकिन एक छोटे से सैनिक के लिए मरने वाला राजा पहली बार देखा किसी, वो एक मेव राजा है पूरी दुनिया में जो ऐसा था। नॉर्मली राजा हमेशा अपने सिपाहियों को आगे कर देते, महाराज एक ऐसे राजा थे जो अपने एक सिपाही के लिए आधी रोटी खाकर वो 6 महीने रहे एक पहाड़ के ऊपर, एक किले के ऊपर, रोज सतकोर कहते हैं हमारे, मतलब चौथाई रोटी खाकर वो इतने उन्होंने समय काटा ताकि उनके सैनिकों को खाना मिल सके। उस दर्रे के बाहर भी वो रुकने को तैयार थे ये कहकर कि नहीं, अगर उनको शिवाजी चाहिए तो शिवाजी मिलेगा, हम लोग चाहिए। इस तरह का राजा कभी किसी ने देखा नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा, और ये इतिहास हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक ऑडियो विजुअल मीडियम या एक फिल्म का मीडियम सबसे ज्यादा इजी है और एंटरटेनिंग भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको विजुअली और आपको टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि हम उनको विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या परिस्थिति होगी, कैसी कठिनाइयां होंगी जहां ये सारी घटनाएं सारा इतिहास रचा गया है। दूसरा सवाल यह कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में शूट करने में क्या दिक्कतें आई हैं, और ये दिक्कतें ये हैं कि सर आज तभी सीढ़ी चढ़ने में भी दुखता है घुटना। नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी, बिकॉज हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत देशपांडे, उनके बारे में यही कहना चाहूंगा, उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की थी आनी काशीनाथ घाणेकर, एक बहुत बड़े मराठी एक्टर थे, उनकी बायोपिक थी जो सुबोध भावे जी ने की थी। सुबोध भावे जी ने और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सुनील भड़तरे, इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर वही हैं, इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम अभिजीत देशपांडे के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। इतना जल्दी, इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट आदमी है, कई बार आप इरिटेट हो जाते हो कि यार क्या करवा रहे हो यार, मतलब ये कोई जगह शूट करने की, मतलब यहाँ आदमी मतलब चिड़िया नहीं पहुंच पा रही है, तुम मुझे बोल रहे हो चल के वहां चढ़ेंगे ऊपर और शूट करेंगे। तो ऐसा वो एक आदमी है जो बहुत जिद्दी है, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है, 9 साल से वो इस फिल्म पर रिसर्च कर रहे हैं,
जो आपको फिल्म में देखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक ऐसे आदमी के साथ काम करना जो दिन रात नहीं सोचता है, वो पाताल आसमान नहीं सोचता है, कितना कठिन रहा होगा हमारे लिए, और वो कितना अच्छा है। इसका परिणाम, इसका उल्लेख यह है कि वो जो दोनों थे, जो प्रोड्यूसर सुनील फड़तरे और सुबोध भावे, वो दोनों इस फिल्म का हिस्सा है। वही प्रोड्यूसर है और वही सुबोध भावे इस फिल्म में भी है। क्योंकि जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो जितनी कठिनाइयां, जितने कष्ट, जितने लड़ाई झगड़े हुए होंगे, वो सब एक तरफ होते हैं और एक अच्छी फिल्म एक तरफ होती है। तो हर कलाकार की भूख वही होती है जो एक डायरेक्टर उसके अंदर से निकाल पाए अच्छा काम। कष्ट ये है कि अभी भी जाता हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, 1.5 साल बाद भी अभी भी जाना ड्यू है। बहुत सारे इंजरीज हैं, बहुत सारी कठिनाई है, और तभी वो ऑथेंटिक दिखता है। अगर आप चाहे वो घुड़सवारी के शॉट्स देखें, चाहे वो आप एक किले के ऊपर लड़ाई का सीन देखें, वो जो फिल्म देखेंगे आप। एक चीज कहना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, लोग नॉर्मली मराठी सिनेमा को, चूंकि है लिमिटेशंस भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं है, कंटेंट सबने बोला है आज तक कि बहुत अच्छा होता है, कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहाँ कम कम पड़ते हैं हम। वो है हमारा स्केल, हमारा ग्रैंडियर, हमारा एक विजुअल जो हमेशा लोगों को थोड़ा सा निराश करता रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज को। जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, बिकॉज 2020 में तानाजी तानसेन वॉरियर आई थी और मैंने उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत माना, कई जगह पोस्टर लगाए जाते थे, और एक एक्सेप्टेंस होती है किसी कलाकार के लिए कि हाँ इस भूमिका में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं, अच्छा काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, कई सारी फिल्में लोग डिजाइन करते हैं, छोटी बड़ी, और हर कोई आदमी मेरे पास आता था और बोलता था कि हमारी फिल्म है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का, सिर्फ 4 दिन का काम है, आप करेंगे क्या? ना किसी भी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का काम 4 दिन का नहीं हो सकता, अगर उनके समय की कहानी है। और क्या आप लोग उसे जस्टिफाई कर पाएंगे उस कहानी को? क्या आप उस तरह चित्रीकरण कर पाएंगे? क्या आप उस तरह से उनकी भव्यता दिखा पाएंगे? किसी के पास जवाब नहीं होता था। फिर एक दिन अभिजीत देशपांडे जी आए, हम एक फिल्म बहुत पहले करने वाले थे, वो हो नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पीरियड फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे पास आया और चश्मा लगाते हैं, शरद मैं एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहा हूँ महाराज के टाइम। मुझे पता था कि अगला यही सवाल आएगा कि क्या तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करोगे, तो मैं तैयार था कि मैं मना कर दूंगा, मतलब मैं नहीं करूँगा। तो उसने स्ट्रेट पूछा, मैं चाहता हूँ कि तू बाजी प्रभु देशपांडे जी की फिल्म करे। एंड आई वाज सरप्राइज कि यार जहाँ एक कलाकार की एक पर्टिकुलर रोल के अंदर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, लोग मान चुके हैं, लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तमाम मीम सुनी कहूँगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट थे जहाँ जब भी छत्रपति जी की बात होती थी तो मेरी फोटो या एक वो पिक्चर सामने आती थी, उसमें ये व्यक्ति, ये इंसान आता है और मुझे पूछता है कि आप बाजी प्रभु देशपांडे की भूमिका करोगे, बिकॉज मैं खिंड के ऊपर कहानी बना रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसा था कि अरे ये तो कमाल हो गया यार, ये इसका विजन बहुत ही तगड़ा है। और वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई, और फिर जो कष्ट लिए गए हैं वो आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। शरद जी जी, किधर जी, एक सवाल, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ऐसी फिल्म है जो हर लैंग्वेज में रिलीज हो रही है थिएटर्स में, तो क्या हम इसे एक शुरुआत मान सकते हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से? और दूसरा कि हर हर महादेव टाइटल कैसे पड़ा इस फिल्म का? पहली बात तो इसे आप शुरुआत नहीं, अच्छी शुरुआत मान सकते, क्योंकि जब मेरे पास मैं सर ने मुझे काट दिया बट उनका जवाब मेरा ये दे रहा था, मैंने ये बोला कि जब मेरे पास ये फिल्म आई थी तो पहले सवाल तो थी कहानी क्या है, स्क्रिप्ट दे दो मुझे। तो अभिजीत देशपांडे किसी को स्क्रिप्ट देते नहीं है, क्योंकि शायद वो लिखते ही नहीं है, शायद वो सेट पे सीन देते हैं, बट कमाल के सीन देते हैं घर में। दूसरी चीज, बिकॉज मैंने काफ़ी हिंदी में काम किया है और मुझे एक वो ग्राइंडनेस की आदत सी पड़ गई है कह सकते हैं, मेरा सवाल था हमेशा से सुनील फड़तरी जी के लिए और अभिजीत के लिए कि यार अगर हमें ऐसी फिल्म बनानी है, महाराज के ऊपर बहुत फिल्में आ रही हैं बट किसी में भी वो ग्राइंडनेस, वो क्वालिटी, वो साउंड, वो विजुअल्स, वो वीएफएक्स किसी में नहीं है,
तो हम भी एक फिल्म बना देंगे तो क्या रह जाएगा उससे? क्या मुझे वादा करते हैं ये फिल्म उन सारी फिल्मों से कई गुना बेहतर होगी या बड़ी होगी या अच्छी होगी या ग्रैंड दिखेगी? तो दोनों ने एक साथ हाँ बोला मुझे, यस वी प्रॉमिस यू। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और वो दिखा। नॉर्मली मराठी फिल्में मैक्सिमम शूट कर लिया तो 30-32 दिन में शूट हो जाते हैं। हमने 55 दिन फिल्म शूट किए दिन रात एक करके, पहाड़ों पे गए यहाँ गए ताकि वो ग्रैंडनेस दिखे। तो कहीं ना कहीं मेरी को हमारी कोशिश है कि अच्छी शुरुआत है और पिक्चर बड़ी होगी। जहां तक बात रही टाइटल की, हर हर महादेव, ये ऐसा एक टाइटल नहीं कहूंगा नारा है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बाहर भी लोगों को पता है, तो एक कनेक्ट होता है उनके साथ। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था, स्लोगन था, जब भी वो एक वॉर क्राई कहते हैं जिसको, तो हर हर महादेव ये नारा उन्होंने दिया था, तो उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता था हमारी फिल्म। हेलो सर, सर आकाश के सेट फ्रॉम बिल्डर होता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या इंडिविजुअल रिसर्च करी ताकि आप इसको एकदम एक्चुअल रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए पहली बात तो जब भी आप कोई फिल्म आपके पास आती है तो पहले तो आप स्क्रिप्ट मांगते हैं, जो वो देते नहीं है, वो देते नहीं, तो आपको घंटों बैठना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि उस आदमी ने, अभिजीत देशपांडे ने, तकरीबन 9 साल से वो रिसर्च कर रहा है, डिटेल ले रहा है, उन परिवारों के पास जा रहा है जो जिनके वंशज हैं। वो इतनी रिसर्च के बारे में आप उनके साथ रोज बैठेंगे, घंटों बातें करेंगे, अध्ययन करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में, तो आपको ज्यादा खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारे समस्या क्या है कि हिस्ट्री के कई वर्जन हैं, अब किस पे बिलीव करें या कंफ्यूज हो जाए, तो बेटर है जिसने इतना स्टडी किया है उसके थ्रू समझेंगे, तो उसका विजन समझ में आएगा, उसका परसेप्शन समझ में आएगा, और उसी पे हमको चलना है, अमल करना है, उसी पे एक्ट करना है। तो अभी देशपांडे इस जगह है जहाँ टोटल फेथ रख सकते हैं, और हम सब ने फेथ रखा है। You are definitely missing him right now. Yeah, yeah, दो दुश्मन बाजू में बैठे हुए। चाहूंगी जो डायलॉग हमने ट्रेलर में देखा है कि 300 उल्टी फुपटी के जो मराठा होते हैं, हम चाहेंगे वो लाइव आप मैं लास्ट बोलूंगा। और कोई सवाल है? नहीं नहीं बचा करो, 3 मिनट बचे मेरे लिए। और ऐसे मेरे को घर पे सुनता नहीं, मेरी व्यू सुनता नहीं, यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, सुनने लोगों कम से कम यार। अभी ना मेरी बेटी सुन रही है मेरी बात, ना मेरी मम्मी सुन रही है, ना मेरी बीवी सुन रही है, डायरेक्टर सुनता नहीं है, तो कोई तो सुन रहे हैं कम से कम 20-25 लोग अच्छी आवाज सुन रहे हैं, सुनने तो बोलना है। अरे मैं मर रहा हूँ पिछले सालों से बोलने के लिए, बोलना ही दे रहा है। एक तो एक हकला आदमी इतने सालों बाद बोलना सीखा, उसको बोलने दे रहे हैं। एक कोई सवाल लेंगे और एक सवाल। अगर आप बातें पीछे कम करेंगे, अपनी खुशबू बंद करेंगे तो बोलूंगा। अरे आप देखिए, क्लासरूम में आ गया, मैं टीचर हूँ, पीछे कुछ बच्चे ऐसे कोने में खुशबू बातें कर रहे हैं, टिफिन में क्या लाया, टिफिन में क्या लाया। तो चलो आप लोगों ने खाना खा लिया, टिफिन की बातें ना करें, हम मेरी बात सुन लीजिए 5 मिनट और बात करें। तो एज एन एक्टर, छोटा सा तो 3 मिनट का किस्सा है, मैं टीवी करता था, नंबर वन शो का हीरो था मैं, 7 तक सबने देखा होगा, मेरे से बच्चों लोगों ने नहीं देखा होगा, बड़े लोगों ने देखा होगा शायद, लेकिन मैं हीरो था, शो का नंबर वन शो था, अवार्ड सेरेमनी हुई, मुझे ना नॉमिनेशन, ना मतलब अवार्ड तो भूल जाओ, नॉमिनेशन नहीं। मैंने बड़ी शिकायत से अपनी जो चैनल हेड को बोला, मैंने कहा यार ये क्या मतलब है यार, मैं हीरो शो का है, हीरोइन को अवार्ड मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनेशन भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मुझसे, बोले कि तुम स्टार बनना चाहते हो ना? मैंने कहा यार कोई भी आता है मुंबई तो स्टार ही बनना चाहता है। तो उन्होंने अच्छी बात कही कि तारा जो है ना वो टूट जाता है, कलाकार हमेशा रहता है। तो मैंने सोचा कलाकार बनूं, और वही कोशिश है, मल्टी हीरो मल्टी कास्ट फिल्म हो या सिंगल हो या कैसी हो, काम कैसा करने को मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, राधर देन कि कौन है फिल्म में, कैसा है, क्या है, कहानी अच्छी होनी चाहिए,
मुझे अच्छा काम करने को मिले, थोड़ी इज्जत मिले, बस। चलिए जरूर इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं, जरूर इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं।